नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस रिपेयर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने गीज़र को जो है वो पूरी तरह से ड्रेन कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो अगर आपको अपने गीज़र से पूरे की तरह से पानी निकालना हो, या जब भी आपको इसका गीज़र का जो एलिमेंट है वो ख़राब हो गया उसे चेंज करना हो, तो आपको जो है वो पहले से प्रॉपरली ड्रेन करना आना चाहिए। चाहे तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको इसके जो पावर कोड को जो है वो बंद करके जो निकाल देना है। देन उसके बाद जो है वो आपको जो इसकी इनलेट वॉल्व है उसका जो फ्लो है उसको बंद कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये इसकी कवरिंग है, आउटर कवरिंग जो है इसको आपने यहाँ पे जो है ये स्क्रू दिया हुआ है। एक ये फ्रंट में होता है, कि ये बैक साइड में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे होता है। किसी किसी गीज़र में जो है वो दो से ज़्यादा भी होते हैं, या साइड्स में भी दिए होते हैं स्क्रूज़ वगैरह, तो वो देख लीजिएगा आपके मॉडल में कितने हैं, उन सभी को आप खोलना है। आपको जो है ये स्क्रू खोल देना है। उसके बाद जो है वो आपको ये जो कवर है यहाँ पे जो थोड़ा सा ये फंसा के इसको पुश करना है बाहर की तरफ को, ये निकल आएगा। आपको आपको ध्यान रखना है ये जो इसके एलईडी बल्ब्स होते हैं इनको निकालने। ऐसे ही जो आपको बैक साइड का भी खोलना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी जो है वो वायर्स वगैरह की कम्बिनेशन है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप जो है इसे खोलने से पहले जो है वो एक फ़ोन से जो है फ़ोटो ले लें, ताकि आपको बाद में जब इसको जोड़ना हो तो आपको पता हो कि कौन सी वायर जो है कहाँ पर जानी है। तो मुझे तो थोड़ा नॉलेज है तो मैं तो इसे डायरेक्टली खोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपको ये वायर्स खोलनी है, ये जो आपके थर्मोस्टेट की है, जैसे ही आप इसकी वायर्स खोल देंगे तो आपको जो है नीचे की तरफ को खींचना है। इसमें ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये क्लिप दिया होता है, ये ऊपर यहाँ पे अटैच रहता है, तो आपको जैसे से नीचे खींच लेना है और इसे पूरा निकाल देना है बाहर। ऐसे ही आपको जो है इसका एक और यहाँ पे फीचर ही होता है, ये अभी थर्मोस्टैट की तरह ही होता है, इसके भी पॉइंट्स को आपको निकाल लेना है। जैसे ही आप इसकी वायर्स खोलेंगे इसे भी सेम तरीके से आपको जो है नीचे खींच लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो एक बैक साइड में एक ये एक्स्ट्रा बोल्ट टाइप दिखेगा आपको। ये बिल्कुल जो इसकी ये जो है इसका गीजर एलिमेंट का है सेक्शन है, ये इसका गीजर एलिमेंट है। इसके बिल्कुल पीछे ये देखिए आप, यहाँ पे एक बोल्ट जैसा दिखेगा आपको। ये जो इसकी प्लेट रहती है इसके बिल्कुल साथ में, ये मोस्टली आपको हर एक गीज़र में जो है वो इसकी जो आउटलेट पाइप होती है उसी के साथ में आपको ये बैक साइड में या फ्रंट में कहीं पे भी ये दिखेगा। ये यहाँ पे जो है 11 नंबर का बोल्ट है, तो हो सकता है कि आपके में थोड़ा डिफरेंट कोई और साइज़ का हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो इसे खोल लें। यही जो है बोल्ट है, ये आपका ड्रेन बोल्ट होता है जो आपके गीजर में से जो पानी पूरी तरह से ड्रेन करने के लिए काम में आता है। तो ये ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया होता है, ये बिल्कुल हल्का ही लगाया होता है। तो आप इसको ज़रा सा खोल लें, उसके
ये आसानी से निकल आता है। तो अभी देख सकते हैं मैंने रिमूव कर लिया है। और ये देखिए इसके बीच में जो है थोड़ी सी जो है रबड़ सील दी होती है, जिसकी वजह से पूरा टाइटली ये क्लोज रहता है। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें से जो है पानी पूरी तरह से नहीं निकल रहा है, तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें अंदर जो वैक्यूम जो है क्रिएटेड रहता है। जब तक आप इसमें कहीं से इनलेट के लिए एयर जो है इनलेट नहीं देंगे, तब तक ये पानी नहीं निकलेगा। तो अब आपको करना क्या है, जो इसकी जो ये आउटलेट सॉरी जो इनलेट वॉल्व है जो हमने बंद कर रखी है, इसमें यहाँ पे जो है ये एक सेफ्टी फीचर दिया होता है, ये इनलेट वॉल्व सेफ्टी के लिए दिया होता है। आपको जो है इसे खोलना है, प्लायर की मदद से खोल सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा पानी जो पैक मारता है, उसके बाद जो है आपका जो भी पानी है वो डायरेक्टली जो आपकी जो है देखिए जो इसके ड्रेन जो पैसेज दिया हुआ है वहाँ से सीधा बाहर को निकलता है। आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसके नीचे जो है कोई बकेट वगैरह जो है वो रख लें, क्योंकि इसमें से जो है वो जो भी अंदर कैल्शियम डिपॉजिट रहता है वो भी इसके ज़रिए से थोड़ा बहुत निकलता है। और जब आपका ये पूरी तरह से ड्रेन हो जाए तो आपको जो फिर से वही रिपीट करना है प्रोसेस इसमें ये लगा के। करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।